अब माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जारी किया है। इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र और धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने के आरोप में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी और अन्य दो की याचिका पर राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता अबू फक्र खां को भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र और धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने के आरोप में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी और अन्य दो की याचिका पर राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता अबू फक्र खां को भी नोटिस जारी किया है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी एवं न्यायमूर्ति MAH इदरीसी की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी और अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचियों का कहना है कि वे सभी जेल में पहले से दूसरे मामले में बंद हैं, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक नहीं केवल तथ्य और विधिक मुद्दों पर सुनवाई चाहिए। याचिका के अधिवक्ता ने कहा कि याचिका के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के मनगढ़ंत प्राथमिकी लिखाई गई है, जिसे रद्द किया जाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि सड़क के किनारे उसकी कीमती जमीन है, इसमें होम्योपैथी कॉलेज है। आरोपी उसे मोहम्मदाबाद दर्जी टोला आवास पर ले गए। वहां अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी आसबा अंसारी, आसबा अंसारी के भाई अनवर शहजाद और आतिफ रजा ने जमीन का बैनामा करने के लिए उस पर दबाव डाला और ऐसा नहीं करने पर नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। इसके बाद मुख्तार अंसारी से मिलने वे लखनऊ की जेल में गए, घर बुलाया और कहा 25 लाख रुपये में ज़मीन बेच दो। 25 अप्रैल 2012 को रजिस्ट्री कार्यालय गाजीपुर लेकर गए, 5 लाख रुपए का चेक देकर ज़मीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद बैंक ले गए, पैसा जमा करा कर चेक पर हस्ताक्षर लेकर निकाल लिए। ऐसा कई बार किया गया। घटना की प्राथमिकी 12 अगस्त 2012 को लिखी गई है, तो इस मामले पर हाईकोर्ट सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।